बच्चा है पढ़ो फिर बच्चा है। ये कुछ पेजेस पढ़ा हो क्या? कौन से पेज नंबर है? ये मुझे सब कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन हो सकती है डिस्मेंटिंग। तो नहीं रोज दिया था सामने रखे किया एक तो पॉइंट तो पॉइंट जो पहले आपने क्वेश्चन किया था और ये जो क्वेश्चन है इसमें मेरा ख्याल है लास्ट पैराग्राफ और थर्ड लास्ट पैराग्राफ बेंडिंग वाला तो वही था मेरा देखा भाई। ये प्लांट की कैरिंग अमाउंट बताएं डिस्पेंटिंग वाले प्लांट की बात कर रहा हूँ बाकी तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ सेम ही है सर। कैसे प्लांट की कॉस्ट क्या है? 250,000 की कॉस्ट थी डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू भी ली आपने कैसे? 50 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 माइनस 6 31.5 ठीक है तो टोटल कॉस्ट बन गई डिवाइडेड बाय एसेट कब लिए पीरियड के स्टार्ट के लिए तो डिवाइड बाय 6 मतलब हो गया 46.92 डेप्रिसिएशन आ गई लेकिन आपने डेफर टैक्स निकालना था बस कैरिंग अमाउंट चाहिए थी तो 281 बन गया था माइनस 46.92 तो ये फाइनली कैरिंग अमाउंट आ गई 34 पॉइंट सॉरी 34 पॉइंट था जानलेसन सवाल ठीक है मेरे इसको का दवा सही है बीच में मेरे को मसला था ये फाइनली कैरिंग अमाउंट आ गई 34.58 इसके अगेंस्ट टैक्स बेस पे होगी टैक्स बेस होगी इसकी टैक्स वाले बस क्या नहीं मानेंगे डीकमिशनिंग की जो एंट्री हम कर लेते हैं इनिशियली एसेट डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट वो नहीं मान रहे वो कब मानेंगे ये लिखा भी हुआ है जरा लास्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन डिसमेंटलिंग कॉस्ट विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस व्हेन मतलब ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है पेमेंट बेसिस पर लाओ देन इसके दूसरे पे इससे पहले एक तो एसेट आ गया दूसरा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की कैरिंग अमाउंट आई लेकिन वो 31.5 नहीं आएगी शायद
एक साल गुजर गया पता, तो 31.5 लिखेंगे मैं कैलकुलेटर। अब इसको सीधा आगे भी लेके जाना आना चाहिए, डेफिनेटली एक तरीका हो सकता है 31.5 पे आप एक साल की अनवाइंडिंग की अमाउंट निकाल के उसमें प्लस कर दें। अनदर सिंपल वे इज 31.5 लिखें मल्टीप्लाइड बाय एक ही दफा 1.08 कर दें। इससे क्या होता है 1.08 करने से सीधी अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 34.02। तो ये फिर वो फाइनली करेंगे अमाउंट अकॉर्डिंग द क्वेश्चन के एंगल से, फिर आप एक डिसीजन लेना चाहिए। तो इसके अगेंस्ट भी टैक्स बेस जीरो होगी, लेकिन बहरहाल इसका मकसद सिर्फ यही था कि कम से कम ये क्लियर हो जाए कि परमानेंट डिफरेंस नहीं है, पेमेंट बेसिस पे अलाउ हो जाना। तो इसके अगेंस्ट अब टैक्स बेस क्या होगी 34.02। Therefore, asset के against मेरा ख्याल है taxable temporary difference बन जाएगा और liability के against deductible temporary difference बन जाएगा। तो तरीका कंडीशन अभी यही है revision का कि पुरानी चीजें दोबारा एक दफा सामने आ जाए और अगर कोई नई चीज बीच में आ रही तो उसको final कर दिया जाए। और confusion ये ठीक है online students, आपको तो नहीं कोई question है? चले हम एक रिइंबर्समेंट बनने लगे चला रहे हैं। पेज नंबर सही है 19 कौन सा पेज नंबर 90 पे रिइंबर्समेंट तो भी स्टार्ट करनी है मतलब नहीं, कल मैंने वैसे बात की थी भी मैंने शुरू करना था, मैं तो सब रीइंबर्समेंट बताया था कि क्या होती है, बाकी बात मैंने वैसे भी की थी मैं भी कहता हूँ क्या होती है सर रीइंबर्समेंट। आपके पेमेंट करने के बाद अगर आपकी वो पेमेंट रिकवर हो जाए या एक्सपेक्टेड होकर रिकवर हो जाएगी तब फिर रीइंबर्समेंट का कॉन्सेप्ट बन जाए। रीइंबर्समेंट में पैसे आएंगे या जाएंगे, इसके मैं कहने एग्जाम्पल देना चाह रहा था लेकिन अभी मैं लिख नहीं सका था तो थोड़ा सा उसको लिख के कर लेते हैं। आपके पास लिखा हुआ है, आप ऐसे लिखिएगा नहीं, थोड़ी सी बात जरा समझ लेंगे। असल में कोई मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर्स वगैरह की बात हो रही थी, उसी एंगल से जरा स्टार्ट कर लेते हैं।